बच्चों, अब हम तुम्हें आज प्रकरण 14 आसपास का पढ़ाने जा रहे हैं। प्रकरण 14 आसपास का जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है हमारा भोजन। देखिए यहाँ पे चित्र दिया गया है, 6 चित्र दिए गए। पहले चित्र में आदमी झाड़ू मार रहा है, ठीक है। दूसरे और एक औरत है जो खाना बना रही है। तीसरे में चूल्हे पे खाना बना रही है। चौथे चित्र में देखेंगे सब खाना खा रहे। पांचवें चित्र में देखेंगे परस रहे हैं। उसके बाद पांचवें चित्र में देखोगे अखबार पढ़े एक लड़की साइकिल चला रही है। और जो 6 नंबर चित्र है उसमें एक लड़की पानी लेके आ रही है, एक औरत तो गठरी में कुछ रखा हुआ है वो लेके आ रही है, एक आदमी बैठा पेपर पढ़ रहा है। अब देखें हम इस पाठ में बताया क्या गया है। देखिए और बताइए, दोनों परिवारों के चित्र दिखाए गए हैं। दो परिवार हैं जिनके चित्र दिखाए गए हैं। पहला परिवार वेड़ू का परिवार है। चित्र नंबर बेटा 1 कैसे पढ़ा जाएगा, झाड़ू वाला, उसके बाद खाना खाते दिखाया गया, उसके बाद पेपर पढ़ते हुए, अखबार पढ़ते हुए, ठीक है। दोनों परिवारों के लोग किस तरह का काम करते हैं, अब कौन किस तरीके का काम कर रहा है वो बताया गया है। क्या आपका परिवार इन दोनों में से किसी एक परिवार जैसा है? क्या आपका परिवार, ये दो जो परिवार दिए गए हैं, इनमें से किसी एक जैसा है, ऐसा पूछ रहे हैं। यदि हाँ तो किसके जैसा, आपके परिवार और उस परिवार में क्या क्या समानता है? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सोचिए और लिखिए। क्या आपके घर में सब एक साथ खाना खाते हैं? यदि नहीं तो क्यों? आपके घर में सब खाना किस तरीके से खाते हैं, देर से, कोई जल्दी, या सब एक साथ खाते हैं? हाँ, सब एक साथ खाना खाते हैं। आप रसोई में किस तरह मदद कर सकते हैं? हम रसोई में मम्मी की खाना बनाने में मदद कर सकते हैं। परिवार में खाना बनाने में कौन मदद नहीं करता? आपको पता है खाना बनाने में पापा ज़्यादातर मदद नहीं करते क्योंकि वो काम पे जाते हैं ना। इसके लिए पूछिए और लिखिए। आपके घर में और आपके दोस्त के घर में तालिका में दिए गए काम कौन करता है, पूछकर लिखिए। आप भी तालिका में अन्य काम शामिल कर सकते हैं। पहले तालिका में इधर काम लिखा हुआ है जैसे खाना बनाना, फिर इधर जो दो कॉलम दिए गए हैं उसमें लिखा आपके घर में, आपके दोस्त के घर में। मतलब खाना आपके घर में कौन बनाता है, आपके दोस्त के घर में। तो खाना तुम्हारे घर में मम्मी बनाती है इसलिए बेटा आप कहोगे मम्मी, फिर दोस्त के घर में मम्मी बनाती तो भी मम्मी लिखोगे। बाज़ार से सामान खरीदना कौन खरीदता है, पापा खरीदते हैं आपके घर में, और आपके दोस्त के घर में दादा खरीदते हैं। इसी तरह यहाँ पे काम दिया गया है और उसके सामने कौन है ये लिखना है, ठीक है। तो आप देख कर लिखे, लिखाया है जो खाते हैं वह कहाँ से आया, ठीक है। तो नीचे कुछ खाने पीने की चीज़ों के नाम लिखे हैं, इससे ज़्यादा नाम तालिका में जोड़िए। जो चीज़ें हम पेड़ पौधों या वनस्पति से लेते हैं वहाँ ग्रीन, वहाँ हरे रंग भरिए, और जो चीज़ें हम जानवरों से, हमें जानवरों से मिलती है वहाँ लाल रंग भरना है। जो हम पेड़ पौधों से लेते हैं वहाँ पे हरा रंग, और जो जानवरों से लेते हैं वहाँ लाल रंग। जैसे पहला शहद दिया गया है तो पेड़ पौधे से लेते हैं तो कौन सा रंग भरोगे, लाल रंग भरोगे। कौन सा भरोगे, नहीं सॉरी, यहाँ पे हरा रंग भरोगे, यहाँ हरा रंग भरोगे। कौन सा भरोगे, हरा। फिर हल्दी में हरा रंग, अब जैसे मछली दिया गया है ये तीसरे कॉलम में देखिए तो ये लाल रंग। फिर मक्का दिया गया है यहाँ नीचे, यहाँ पे मक्का कैसे होगा, वो हरा रंग। दूध लाल रंग, फिर नींबू हरा रंग, इसी तरीके से इसे भरना है, ठीक है। रंग भरने, इसमें जो ये गोल गोल दिया गया है यहाँ पे रंग भरना है आपको। सोचिए और लिखिए। जब आप बीमार होते हैं तो क्या पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ों का दवाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं? जब आपको चोट लगती है तब आप क्या करते हैं, जब आपको चोट लगती है तो पान का पत्ता बांधते हैं या भी नीम का कुछ ऐसा करते हैं ना, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे सामने लिखनी है। पेट में दर्द होता है तो हींग या अजवाइन का यूज करते हो, वो यहाँ लिखना है। सर्दी खांसी होती है तो तुलसी, अदरक,
सौंठ, गुड़ इसका काढ़ा बनाकर पीते हो। दांत में दर्द होता है तो क्या करते हो, लौंग का यूज करते हैं, लौंग का उपयोग करते हैं, वो यहाँ लिखना है। इस तरह बेटा आपका पार्ट नंबर 14 पूरा हो गया। अब हम आपको इसका स्वाध्याय कराएंगे, इस पार्ट को अच्छे से आप लोग पढ़िए, ठीक है। पार्ट नंबर 14 का स्वाध्याय बेटा आपको हम पार्ट नंबर 14 का स्वाध्याय यानी कि स्वाध्याय पुस्तिका से सारे प्रश्न उत्तर कराने जा रहे हैं, वो आप देखिए और सुनिए अच्छे तरीके से, बाद में पढ़कर उसे कॉपी में आपको लिखना है। तो पाठ का नाम है हमारा भोजन, पाठ नंबर 14। पहला प्रश्न है, कोष्ठक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक में विकल्प दिए गए हैं, उनमें से देखकर खाली जगह हमको भरनी है। खांसी आने पर खाली जगह सहायक रूप होती है तुलसी, चीनी, गुड़, तुलसी, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे। फिर दूसरा है, खाली जगह जमीन के अंदर उगता है अदरक, लौकी, ककड़ी, तो अदरक जमीन के अंदर उगती है तो यहाँ अदरक लिखोगे। खाली जगह खेती के काम में उपयोगी पशु, कुत्ता, बैल, चूहा, तो बैल यहाँ पे लिखेंगे। प्याज खाली जगह में से मिलती है वनस्पति, पेड़, प्राणी, तो क्या लिखोगे, वनस्पति, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 में सही या गलत बताना है। जैसे पहला नंबर है, आंवला खाने से शरीर को हानि होती है, ये गलत है, तो यहाँ पे गलत का निशान लगाओगे। दूसरा है, गुड़हल जमीन के अंदर होता है, ये भी गलत है। लौंग दांत की पीड़ा को ठीक करने में उपयोगी होती है, सही है, तो यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। ऐसे ही 2 और हैं तो आप अपने आप करिए। क्या तुम्हारे घर में प्रश्न उत्तर अब आपको करा रहे हैं, तीसरा नंबर प्रश्न है, उसका उत्तर देखिए। क्या तुम्हारे घर में सब एक साथ खाना खाते हैं, यदि नहीं तो क्यों। हाँ, हमारे घर में सब एक साथ खाना खाते हैं। दूसरा प्रश्न है, आप रसोई काम में किस तरह सहायता कर सकते हो। हम रसोई काम में खाना बनाने में सहायता कर सकते हैं। खाना बनाने में कौन मदद नहीं करता, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि खाना बनाने में पापा मदद नहीं करते क्योंकि वो नौकरी करते हैं या काम पे जाते हैं, जो भी आप लिखो बेटा। चौथा प्रश्न है, आपको चोट लगने पर आप कौन सा उपाय करोगे। हमें चोट लगने पर हम प्राथमिक उपचार करेंगे। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे कितने प्रश्न दिए गए हैं, 11 इस पेज में दिए गए हैं पूरे पूरे प्रश्न, तो यहाँ पे 11 प्रश्न हैं। हम आपको एक दो और पढ़कर बताते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 10, मुर्गी हमें क्या देती है। प्रश्न नंबर 10 क्या है, मुर्गी हमें क्या देती है, मुर्गी हमें अंडा देती है। प्रश्न नंबर 11 है, चमड़ा किस में से मिलता है। चमड़ा हमें जानवरों से मिलता है, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न उत्तर हो गया आपका। अब प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में थोड़े बड़े बड़े उत्तर लिखने होते हैं, तो प्रश्न नंबर 4 में है, निम्न प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। सर्दी की ऋतु में कौन सी सब्जियां मिलती हैं। अभी देखो सर्दी चल ही रही है, तो सर्दी की ऋतु में आप देख लो कि कौन कौन सी नई नई सब्जियां आती हैं। सर्दी की ऋतु में मटर, पालक, मेथी, गाजर, मूली, लगभग सभी सब्जियां मिलती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, किन्हीं 5 पौधे के नाम लिखिए। आप कोई भी 5 पौधा लिख सकते हो। हमने आपको गुलाब, आलू, टमाटर, बैंगन, भिंडी, ये लिख, किन्हीं 5 बेल के नाम लिखिए। बेल क्या होती है आपको पता है, जैसे लौकी होती है, तरोई होती है, इनका पेड़ नहीं होता या इनका पौधा नहीं होता, इनकी बेल होती है। तो लौकी, तरोई, करेला, मनी प्लांट, काकड़ी, इन सबकी बेल होती है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 5 हमने लिख दिया है आपको, उसे पढ़कर अपनी कॉपी में सारे प्रश्नोत्तर अच्छी तरीके से आसपास की कॉपी में बनाई होगी आपने, उसमें आप लिखिए। आपको सब एक जगह आपके प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे, तो आपके एग्जाम में आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, बाय।